नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है? गुजरात, असम, नागालैंड या फिर मेघालय? तो अभी हाल ही में असम के विश्वनाथ घाट गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह गांव विश्वनाथ चारियाली शहर के दक्षिण में स्थित है। यह घाट विभिन्न देवताओं के मंदिरों का एक समूह है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? वहीदा रहमान, सिमी गरेवाल, सोकार जानकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि अनुभवी अभिनेता वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अभिनेत्री को प्यासा, कागज के फूल और कई अन्य हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उन्होंने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है जो पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व जिसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश जो देश में सबसे अधिक बाघों का घर है को बड़ी बिल्लियों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला है जो राज्य में 7वां और देश में 54वां है। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य वनस्पति, जीव, भूविज्ञान और प्राणी शास्त्र सहित जैव विविधता के संरक्षण में उनके पारिस्थितिक महत्व के लिए पहचाना जाता है। अब तक एमपी 6 बाघ अभयारण्यों का घर था जहां कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर कंबोडिया? तो अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है कि अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अमेरिका का न्यूजर्सी भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर की मेजबानी करने के लिए तैयार है जिसका औपचारिक उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। आधुनिक युग में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम संगठन द्वारा किया गया था। यह 19वीं सदी के हिंदू आध्यात्मिक नेता भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और यह उनके 5वें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज से प्रेरित है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 26 सितंबर? तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 सितंबर को हमने विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया है जिसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित समुदायों को बढ़ावा देना जो मनुष्य और पर्यावरण दोनों को पनपने में मदद कर सके। यह मानव स्वास्थ्य के महत्व और उनकी भलाई को बढ़ावा देने में भी मदद करता है एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है? गोवा, गुजरात, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में गोवा में पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। गोवा में भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूरे भारत में 75 लाइट हाउसों को संपन्न पर्यटन केंद्रों में बदलने के लिए एक भव्य दृष्टि का हिस्सा है। गोवा में इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल जो 23 सितंबर को शुरू हुआ और 25 सितंबर तक चला। गोवा के पणजी में प्रतिष्ठित फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? मेघालय, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमंत विश्वा शर्मा को विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। यह ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप व्यक्तियों को उनके राष्ट्र के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लतिका प्रधान, मीनाक्षी महंत, प्रमिला मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में प्रमिला मलिक जो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बीजू जनता दल पार्टी की सदस्य प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। प्रमिला मलिक को ओडिशा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। प्रमिला मलिक ओडिशा के जाजपुर जिले की बिंझारपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुकी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत 9000 सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा। यह साझेदारी राज्य के 20 जिलों और 89 ब्लॉकों में किशोरों को जीवन कौशल शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कैटरीना कैफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिससे वह भारत में ब्रांड की पहली एम्बेसडर बन गई हैं। यह सहयोग यूनिक्लो की भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और अपने फॉल विंटर 2023 अभियान को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर्स सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।